मेरे पास एक बीकर में 20 मिलीलीटर पानी है और दूसरे बीकर में 20 मिलीलीटर तेल है। मैं इन दोनों तरल पदार्थों का तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन दोनों में से किस द्रव या तरल पदार्थ का तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में अधिक समय लगेगा? आइए देखते हैं। तो पहले हम 20 मिलीलीटर पानी को लेते हैं। पानी को गर्म करने से पहले हम इसका शुरुआती तापमान नोट कर लेते हैं, ताकि हम यह सुनिश्चित कर सकें कि हम तेल को भी उसी तापमान से गर्म करना शुरू करें। तो यह लगभग 30.5 डिग्री सेल्सियस है। अब हम इसे गर्म करेंगे और इसका तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाएंगे और देखेंगे कि इसमें कितना समय लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये थर्मामीटर है। तो अब इसका तापमान 35 डिग्री सेल्सियस हो गया है और इस 20 मिलीलीटर पानी का तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस होने में 1 मिनट का समय लगा। चलिए अब हम 20 मिलीलीटर तेल को लेते हैं। पुनः हम पहले तेल का शुरुआती तापमान मापेंगे। हम देख सकते हैं कि यह भी लगभग 30.5 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए हम मोमबत्ती जलाकर इसे बीकर के नीचे रख देते हैं और तेल को गर्म करते हैं और इसका तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने में लगने वाले समय को हम नोट कर लेंगे। अब यदि इसका हम तापमान देखें तो यह 35 डिग्री सेल्सियस हो गया है और 20 मिलीलीटर तेल का यह तापमान 30.5 से 35 डिग्री सेल्सियस होने में 46 सेकंड का समय लगा है। लेकिन यहाँ समय में यह अंतर क्यों है? तेल को गर्म होने में पानी की तुलना में कम समय क्यों लगा? क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं?